जैसा कि आप देख रहे हैं पीड़ित परिजनों के द्वारा एक जगह जहां पर लोगों को अंदर जाने से और बाहर अंदर की गाड़ी बाहर आने से मना किया जा रहा है, वहीं पर सीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो यहां के प्रबंधन के आदेश के अनुसार आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं चारों तरफ और एक नई रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से अंदर के लोगों को वो बाहर निकाला जाए और बाहर के लोगों को फिर से इस गेट से अंदर ले आया जा सके, इस तरह की व्यवस्था ये बनाए पड़े हैं। और दूसरी सबसे सर्वनाथ बात हमारे सिंगरौली जिले की ये निकल के आ रही है कि लगातार यह जो हादसे पे हादसे हो रहे हैं, अभी तक सुबह से पीड़ित के परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। न कि बिंदनगर थाना अभी तक यहाँ पे प्रशासन यहाँ पर आया है और न कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आया है, क्योंकि पीड़ित परिजनों द्वारा देवसर विधायक का नाम भी लिया गया और बोला भी गया कि उनके यहाँ से उनके परिचय के कोई व्यक्ति आए भी होंगे, लेकिन शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी हो, सिर्फ वोट लेने तक ही जनता से मतलब रखते हैं, उसके बाद कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब हालत देख सकते हैं पीड़ित के परिजन की, ये बार बार रोते हुए बेहोश होती जा रही हैं पूरी तरीके से और लगातार इनके मुंह पर पानी छिड़क छिड़क के इन्हें होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कि इधर देख रहे हैं यहाँ के श्रमिक भी हमारे साथ यहाँ के श्रमिक भी बता रहे हैं। ये घटना सोमवार की है, क्या सोमवार को क्या आप लोग कभी अंदर इस चीज की मांग को लेकर आगे बढ़े? भैया बहुत लोग हम कर चुके हैं, कोई नहीं है। इनके पीछे तो जो छोटे कर्मचारी उनको कोई भेज नहीं है, उनको ऐसे करवाइए कि मतलब उनका कोई मांग ना पूरा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मजदूर भी लगातार बोल रहे हैं कि वह अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं कितनी देर बाद अभी घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन के एसपी की गाड़ी आई है और उसके पीछे आप देख सकते हैं थाना प्रभारी नगर की भी गाड़ी है। अब देखना यह है क्या बातें होती है और पीड़ित परिजन को न्याय मिलता है और या फिर आश्वासन देकर इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही गाड़ी निकली और सीधे एनटीपीसी परिसर के अंदर गई है गाड़ी, सीधे एनटीपीसी परिसर के अंदर गई है गाड़ी। क्या बात होती है क्या नहीं, यह तो अंदर ही पता चलेगा। चाय हर घूट में स्वाद, डाय सुट्टा पार, CSP बैठन। सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में, फैमिली और कपल्स कैफे पता है बिंदनगर रोड टाइगर इन होटल के सामने बैठन सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।